तो कमेंट में लाजमी बताना कि इस सांप का जो है ना नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग कैसे हैं? ठीक है, जो न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कर लें ताकि हर न्यू वीडियो आने वाली आप तक पहुंचती रहे। तो सुबह सुबह का जो है ना काम का आगाज जो है ना शुरू हो गया है। तो ये नाड़ी है, इसकी कटाई कर रहे हैं क्योंकि ये जो है ना फिर इसमें मट्टी डलेगी ना, ये दोबारा फिर उगना शुरू हो जाएगी। तो इसकी कटाई करेंगे, इसीलिए आप लोगों के साथ डेली रूटीन जो होती है वो शेयर करते हैं। ये नीचे से जो है ना जमीन से ईंटें वगैरह निकाल रहे हैं जो उस तरफ जो है ना दीवार में लगेंगी। तो ईंटें जो है ना ये व्यूअर ये छुपी हुई हैं, ये सारी ईंटें वहां से लेके यहाँ तक खुदाई करेंगे और निकाल के जो है ना उधर दीवार में लगानी है। जी अब्बा, कहाँ पे बेटी? तो जी ये अचानक से ऐरे से जो है ना सांप निकल आया है, बड़ा सा है। ये देखे, ये आरिफ जो है ना ईंटें निकाल रहा था तो अचानक निकला, इसकी चीख निकल गई आरिफ की। ये और ये इसमें जहर बहुत होती है, ये देखे। नहीं नहीं नहीं, ये देखे इतना बड़ा सा है, यहाँ से निकला इधर से। आप लोग हमेशा हम लोग कहते थे ना कि यहाँ सांप और हर चीज निकल आती है और बच्चों को जो है ना हमेशा ही डर लगता है। अब देखिए ये सांप जो है ना इसके अंदर ऐरे में यहाँ पे बैठा, यहाँ पे इसने निकाली है। अल्लाह का शुक्र है कि आरिफ जो है ना बच गया है, एकदम दौड़ते हुए और भी निकलेंगे यहाँ से। अभी जिंदा है, मार के सिर्फ गया है, जिंदा है, अभी हिल रहा है ना, अभी जान थोड़ी निकली है इसकी। माचिस दे, तो माचिस इसको आग लगाते हैं। तो कमेंट में लाजमी बताना कि इस सांप का जो है ना नाम क्या है, कमेंट में लाजमी बताना। ये देखिए अभी जिंदा है, अभी हिल रहा है, देखे हिल रहा है, हिल रहा है। तो सिस्टर बैड कमेंट कर रहे हैं ना, तो आज आप देख लें, ये देखें सांप निकला है। मैं हमेशा कहता था ना कि हमारे बच्चों को मसला होता है, और आज देख लें सांप बिल्कुल ही आपके सामने है। अभी उसको लेके जा रहे हैं जलाने के लिए। आप जो बैड कमेंट करती थी कि ड्रामा है, ये है वो है, आज आप खुद देख लें। और इसको आग लगाते हैं, इस बूटे को जलाएंगे। घर से इसलिए दूर लेके आए हैं ना, इसके कांटे जो होते हैं ना बहुत ही ज्यादा जहरीले होते हैं और बच्चे खेलते हैं, तो घर से दूर लेके आए हैं इसको जलाने के लिए। तो मैंने समझा कि छोटा होगा, तो आरे पे शोर डाल देनी पड़ेगी, तो आज ही नहीं लगेगी। गीला है शबनम है, डाल लूंगी। ये मत कर, अल्लाह करे आग आगे भी फैल जाए। और इसके अंदर ये तीलियां ये कच्चा कचरा डाल रहे हैं, इसको लग जाए क्योंकि ये है भी गीला। तो वीवर ये मेरी साली के अपना ससुर की जो है ना जगह है, उसने कहा है कराची में रहते हैं, तो उन्होंने कहा है हमारे थोड़ा जो है ना हमारी जगह का विजिट करवा के दिखा देना क्योंकि जगह की क्या कंडीशन है हमारी। तो उनके दरख्त वगैरह हैं, जैसे कि ये जामुन का पेड़ हो गया और उस तरफ खजूर हो गए, और ये बेरी वगैरह हो गई उनकी, और बेर भी लगे हुए हैं लेकिन ये खाने के काबिल नहीं होते, ये सांगचूर होते हैं बेर। और इसको जो है ना काट काट के लोग ले जा रहे हैं, बकरियों को खिला रहे हैं लोग। एक वक्त
एक वक्त था ये घर जो है ना आबाद था, यहाँ पे फैमिली होती थी और अच्छा माहौल होता था। फिर बस वक्त जैसे ही चेंज होता गया ना तो ये सारी चीज़ें जो है ना आबाद से फिर वीराने में तब्दील हो गई। और व्यूअर ये देखें बेर भी लगे हुए हैं, जो यहाँ पे बकरियाँ चराने आते हैं वो खाते हैं बेर वेर सारा को तोड़ के। और ये एक उनका पता नहीं है मौसमी है कौन है, माल्टे का है, वो दरख्त लगा हुआ है। दो ये कमरे हैं, दो वो कमरे हैं, बस ये चीज़ें बली बची हुई हैं। तो उम्मीद है फाइनली उन्होंने देख लिया होगा। अभी चलते हैं वापस घर की तरफ। आग अभी जोरों शोर से जो है ना इसने पकड़ लिया है आग ने इसको। हम चाह रहे हैं कि ये सांप जो है ना जल जाए, पता नहीं उसके नसीब में जो है ना जलना नहीं, जैसे आग लगाते हैं बुझ जाती है। पता नहीं ये सांप पे क्या राज है, आग लगाते हैं आग बुझ जाती है। वो भी मेरा मियाँ निकाल निकाल के थक गया, वो उधर बैठने चला गया, तो भी मैंने कहा मैं निकाल लूँ। चटनी का शौक चाहिए भाई, चटनी कड़ा पियो। तो अभी रोटी बना रहे, सालन बना लिया है, भून लिया है कुहल का, तो अभी रोटी बना रहे। तो वीवर इतना गहरा जो है ना खड्डा नीचे खोद दिया, अभी तीन बार जो है ना ईंटों के भी मजीद इसके अंदर बचे हुए हैं और अभी नीचे जाना है, मतलब इतनी पूरी वहां से लेके यहां तक पूरी खुदाई की, यहां तक यहां जैसा कि आरिफ को जो है ना अल्लाह पाक ने उसको नई जिंदगी दी है। तो हमें बहुत ही घबरा गए थे, आरिफ ने जैसे ही बताया कि सांप सांप था, हमने उसको जैसे मारा है। तो अभी जैसा कि आप लोग से चाहेंगे इजाज़त, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।